वेल गाइस, तो फाइनली AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू शुरू हो चुका है और आज यहां पर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर आंद्रादे एल इडोलो और मीरो आमने सामने देखने को मिले। यहां पर आंद्रादे और मीरो के इस मैच के अंदर हमें यहां पर आंद्रादे की तरफ से सीजे पेरी रिंग साइड एरिया पर देखने को मिलती गए। वेल गाइस, वैसे तो यहां पर मैच के शुरू होते ही आंद्रादे एल इडोलो के ऊपर मीरो अटैक कर देते गए और मैच के ओपनिंग के कुछ मिनटों के अंदर मीरो यहां पर इस मैच को कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहे होते गए। बट गाइज, इसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, आज यहां पर आंद्रादे इस मैच को अपने अंदर लेते गए और गाइज यहां पर आंद्रादे के शानदार मूनसॉल्ट के साथ आंद्रादे यहां पर टेबल के ऊपर मीरो को पटक देते गए, जिसके बाद के रिंग साइड एरिया के ऊपर हमें आंद्रादे और मीरो के बीच में शानदार ब्रॉल देखने को मिलता है। और इसके बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहां पर आंद्रादे एल इडोलो सबमिशन के साथ मैच को जीतने की कोशिश कर रहे होते गए, तभी सडनली सीजे पेरी आंद्रादे पर टर्न कर देते गए और गाइज सीजे पेरी आंद्रादे पर टर्न करते हुए आंद्रादे एल इडोलो को मैच को जीतने से रोक देते गए, जिसके बाद कि इस मैच के एंडिंग के ऊपर मीरो यहां पर आंद्रादे के ऊपर गेम ओवर किक लगाते गए और गाइज इसके बाद मीरो के सबमिशन के साथ वो यहां पर आंद्रादे एल इडोलो को बीट कर देते गए। और गाइज आज यहां पर AEW के वर्ल्ड एंड के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो के इस मैच को हार जाने के बाद अब यहां पर आंद्रादे एल इडोलो ऑफिशियली AEW को लीव कर रहे गए और वो यहां पर WWE के नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आंद्रादे के AEW को लीव करने के बाद अब AEW में मीरो और सीजे पेरी की स्टोरी लाइन कैसी जाती गई।